खबर मथुरा से। पौराणिक कथा के मुताबिक भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन लोग उन्हें अपने घरों में लेकर आते हैं और विधि विधान से 11 दिनों तक उनका पूजन करते हैं। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। मान्यता है कि गुरु शिष्य परंपरा के तहत इसी दिन से विद्याध्ययन का शुभारंभ होता था। इस दिन बच्चे डंडे बजाकर खेलते भी हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार मथुरा में भी धूमधाम से मनाया गया और आज सोनी समाज द्वारा गणेश जी की विसर्जन भी किया गया, जो कि रावलिया गली से चौक बाजार होते हुए विश्राम घाट पर यमुना मैया में विसर्जन किया गया और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी भक्त धूमधाम से गणेश जी के विसर्जन में शामिल हुए और विशाल भंडारे की तैयारी में जुट गए। मैं योगेश सोनी, जिला मथुरा मंडी रामदास गली रावलिया से समाज सेवी नेता, सोनी समाज और गली के समाज की तरफ से देखते हुए 7 दिन के भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन और एवं कन्या लांगुर वगैरह और साधु सेवा करने का किया जाएगा, जिसमें कि आप गली रावलिया से गणेश विसर्जन आज करे गए। गली रावलिया मंडी रामदास चौक बैर होते हुए विश्राम घाट पर विसर्जन करे गए हैं, जिसमें कि सभी लोगों को, सभी माता बहनों का सहयोग और भगवान श्री गणेश जी का सहयोग करते हुए सभी लोगों ने, गली वालों ने सहयोग किया है, जिसमें कि वार्ड नंबर 56 मंडी रामदास गली रावलिया में आती है। मैं योगेश सोनी समाज सेवक नेता, सभी के सहयोग से 7 दिन के गणेश जी यहाँ पर रखे हुए थे इस जगह पर। आज वो गणेश विसर्जन मंडी रामदास गली रावलिया से होते हुए चौक बाजार विश्राम घाट स्वामी घाट पर विसर्जन करे गए। समाज सेवक के सारे कार्यकर्ता हमारे बीच यहाँ पर गली के उपस्थित रहे थे, जिसमें कि कल का यहाँ पर भंडारा, साधु सेवा और बच्चों को प्रसादी कराई जाएगी। कल सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम यहाँ पर चालू रहेगा भंडारे का, शाम 7 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें कि 51 ब्राह्मण हैं और आपके बीच 1101 लगभग के भंडारा है गली का, जिसमें कि चौक बाजार मंडी रामदास गली आलिया गली पाठक करने के लिए गली मनोहर गली चौक धारण के लोग जहाँ पर ही जितने भी व्यक्ति यहाँ पर आएंगे प्रसाद पाएं उनकी अति कृपा होगी। जय हो गणेश। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, JK News।